तो चलिए गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फॉल्स स्लीप टेक केयर में। तो चलिए गाइस, आज हम आपको बता रहे हैं कि पीओपी डिज़ाइन में राउंड वाला डिज़ाइन कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के फॉल सीलिंग वाले डिज़ाइन को आपके लिए हर लाते रहते हैं वीडियो। तो चलिए गाइस, फिलहाल तो ये परपे का काम चालू है और इसकी साइड की मोल्डिंग भी हो चुकी है और 18 इंच का परपा है ये और साइड की मोल्डिंग 1.5 इंच की है जो कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी फिनिशिंग भी हो चुकी है। तो चलिए हम सबसे पहले बीच की दूरी और फिर दोनों तरफ की प्लस में दूरी को मार्किंग लगा देते हैं। देखिए ये साइड की मार्किंग लग चुकी है और फिर बीच की मार्किंग भी लग चुकी है और ये साइड की मार्किंग भी लग चुकी है। तो देखिए ये फॉल सीलिंग कैसी की जाती है और डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप देखिएगा डिज़ाइन कितना अच्छा डिज़ाइन है। ये हॉल का साइज लगभग 13x20 है जो कि ये डिज़ाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए बीच के सर्कल को इस तरह से घुमाया जाता है, बीच में जो दूरी प्लस में जो दूरी लगाई है मार्किंग, उसके प्लस में एक स्क्रू को अच्छे से कस के और फिर इस तरह से दूरी को ऐसे घुमा देते हैं। बीच का सर्कल हमारा बन चुका है और अब फिर से हमें एक बीच के सर्कल की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बीच का सर्कल धार पैक बनने जा रहा है बॉक्स टाइप में एकदम। देखिए ये दूसरी मार्किंग भी लग चुकी है बिल्कुल सर्कल वाली मार्किंग और फिर एक बीच में, ये देखिए हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह के साइड की मार्किंग में इस तरह के 4 इंच के परपे को लगा देते हैं और फिर देखिए बिल्कुल स्क्वायर में बॉक्स बन रहा है। 4 इंच का ये परपा लग चुका है खड़ा परपा और उसे स्क्रू से अच्छे से कस लेते हैं। देखिए एल पट्टी को कुछ इस तरह से कटर की सहायता से इस तरह से कट कर देना होता है ताकि एल पट्टी राउंड शेप में बन जाए और उसको बहुत ही सावधानी से कट करना होता है, बिल्कुल एक साइज के कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए ताकि अगर कम ज़्यादा होगा तो हमारा राउंड राउंड जैसा नहीं दिखाई देगा, इसमें कुछ कमी महसूस होगी, इसीलिए कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ये अंदर का मार्किंग के हिसाब से इसको पूरी तरह से इस तरह से सर्कल बना लेना होता है और देखिए ये सर्कल हमारा बन चुका है और फिर उसी तरह की एल पट्टी की मदद से हमें बाहर का सर्कल भी उसी तरह से बना लेना होता है। देखिए बन के तैयार हो गया है बाहर का सर्कल भी और फिर कुछ इस तरह से उसको कट करके जिप्सम बोर्ड को कट करके फिर स्क्रू की मदद से उसे इस तरह से लगा देते हैं। देखिए अंदर का भाग भी हो चुका है और बाहर का भाग भी हो चुका है, दोनों हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए होल मार के उसके अंदर से वायरिंग को याद से निकालना होता है, अगर वायरिंग अंदर मिस हो जाए तो फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, लाइट की वायरिंग होती है। और देखिए एक सीट को एल पट्टी की मदद से गोल सर्कल में माप ले लेते हैं जो कि अपना माप है वही और फिर उसे आरी की मदद से उसे कुछ इस तरह से कट कर देते हैं। देखिए अंदर का हिस्सा भी कट हो चुका है।
और फिर कुछ इस तरह से कट कर देना होता है। देखिए कट हो चुका है और उसको बराबर उसको लगा देना होता है। एक हिस्सा हमें कम पड़ा है और एक हिस्से को भी हमें कट करके अच्छे से लगा देना है। देखिए एक छोटा सा हिस्सा 10 इंच का टुकड़ा माप का बिल्कुल माप में लेके उसे कुछ इस तरह से कट करके लगा देना है। और फिर उसे बचे हुए हिस्से को आरी की मदद से अच्छे से कट कर देना है। और फिर उसकी भैर की मोल्डिंग का भी काम अच्छे से धार पैक मोल्डिंग कर देना है। देखिए सर्कल तो बन के तैयार हो चुका है, अब साइड का पड़पा बनना बाकी है। देखिए अब साइड का बॉक्स कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर से हम दोरी की मार्किंग मार देते हैं और फिर बॉटम पकड़ के उसे अच्छे से कट कर देते हैं ताकि कोई भी हिस्सा आगे पीछे ना रहे और वो धार एकदम फिनिशिंग में दिखे और एकदम लाइन दोरी में दिखे। इसीलिए देखिए दोस्तों बिल्कुल इस तरह से बॉटम की मदद से हमें कट करना होता है ताकि पूरी लाइन दूरी अच्छे से दिखे और डिज़ाइन भी हमारा स्क्वायर में दिखे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन लगभग बन चुका है। इसमें साइड से कट भी आते हैं लेकिन ये कट ये हॉल के हिसाब से, इसलिए इसको कोई कट नहीं लिए है, पूरा साबित लिए है, पूरा स्क्वायर में लिए है, इसमें कोई भी कट नहीं है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिख रहा है हॉल के हिसाब से। तो दोस्तों आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा डिज़ाइन हमारा अच्छा लगा है। और ये फिनिशिंग हो चुकी है और हमारा फाइनली ये डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये।